वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल प्रणव फॉर यू नॉलेज फॉर एवरीवन। अब जो मेरा टॉपिक रहेगा वो जीडीएनटी के ऊपर है, लेकिन जीडीएनटी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा डायमेंशन और टॉलरेंस के ऊपर आज एक क्लास लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं जीडीएनटी शुरू करूँगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल इंजीनियर ASME Y14.5 में डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग के बारे में दिया गया है। ये और अलग अलग स्टैंडर्ड इसमें आप देख रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं डायमेंशन से कि डायमेंशन होता क्या है। ए न्यूमेरिकल वैल्यू और ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ मेजर यूनिट टू डिफाइन द शेप साइज ओरिएंटेशन और लोकेशन ऑफ पार्ट फीचर और बिटवीन पार्ट फीचर। मतलब वो मैथमेटिकल वैल्यू जिससे हम किसी चीज का शेप एंड साइज को मेजर करते हैं, जैसे कि उसका लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, ओरिएंटेशन हो गया और वो कौन से लोकेशन, ये जो चीजें करते हैं और जो हम लिखते हैं वो है डायमेंशन। देखिए डायमेंशन द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिफाइन द साइज और ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन के न्यूमेरिकल वैल्यू है और वो ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आपका परपेंडिकुलरिटी हुआ, सर्कुलरिटी हुआ, फ्लैटनेस हुआ, एंगुलरिटी हुआ, ये सब जो जिसमें डिफाइन करता है, जो बताता है कितना है, वो है डायमेंशन। बेसिक डायमेंशन, बेसिक डायमेंशन क्या है? The numerical value define the theoretical exact size of the reference. Exact size मतलब जैसे हम पकड़ते हैं 10 plus minus 5, तो 10 जो है वो उसका basic dimension हुआ और plus 0.5 जो है वो tolerance। उसके बाद आता है reference dimension, यानी जहाँ से reference लिया गया है उस dimension का, उसका main dimension से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ से reference, तो ये वो हो गया reference dimension। आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल डायमेंशन का, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एल शेप का एक समथिंग है जिसका विड्थ है 50 mm है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया गया है, फिर ये डिस्टेंस दिया गया है, तो ये जो सारे हैं ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन का एग्जांपल है। अब आते हैं टॉलरेंस किसे कहते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ डायमेंशन और फीचर is permitted to vary, यानी कि वो amount वो या वो feature जिसमें हमारा dimension जो है vary करता है, मतलब plus या minus में होता है। देखिए ये general rule है कि हर dimension में tolerance जरूर होगा, without tolerance का कोई dimension नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया में perfect 0-0 कुछ भी नहीं बना सकते हम, कुछ ना कुछ error रहेगा ही, हम कुछ भी 0-0 नहीं बना सकते, तो इस चीज के लिए हम लोग को यहाँ पर टॉलरेंस दिया जाता है। तो जो टॉलरेंस मैक्सिमम टू मिनिमम, यहाँ देखिए द टॉलरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट, यानी मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है, ये जो बीच का जो गैप है वही है टॉलरेंस। आइए आगे देखते हैं। टॉलरेंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंस और दूसरा है बाइलैटरल टॉलरेंस। यूनिलैटरल टॉलरेंस क्या है? जहां पर डायमेंशन सिर्फ एक तरफ रहेगा, या तो प्लस की तरफ रहेगा या वो माइनस की तरफ रहेगा। यहाँ एग्जांपल देखिए 10 प्लस में 0.5 टू प्लस में ही 0.8 तक दिया गया, यानी ये डायमेंशन एक्चुअली है कितना 10.5 से 10.8, यानी वो प्लस साइड में ही है, माइनस में नहीं है, तो इसको कहते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंस। दूसरा हो गया बाइलैटरल टॉलरेंस, जिसमें प्लस और माइनस दोनों तरफ रहता है टॉलरेंस, उसको कहते हैं बाइलेटरल। जैसे एग्जांपल 10 प्लस माइनस 0.5, यानी कि 9.5 से लेकर ये 10.5 तक जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग बाइलेटरल टॉलरेंस, जहां प्लस और माइनस दोनों ही रहते हैं। अब ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस या जीडीएनटी का जरूरत क्यों पड़ा, जब तो टॉलरेंस हम लोग का था ही, डायमेंशन है, तो जीडीएनटी क्यों जरूरत पड़ा? आइए ये एक एग्जांपल से हम लोग लेते हैं कैसे। मैंने एक ऑपरेटर से कहा कि आप 10 पीस शाफ्ट और 10 पीस कोर बनाओ जिसमें शाफ्ट चला जाए अंदर से, और मैंने उसका जो दिया ड्राइंग टॉलरेंस क्या है 20 mm दिया, 20 mm शाफ्ट का साइज और 20 mm
बोर का साइज। तो क्या हुआ, वो जब बना के दिया तो मैं देख रहा हूं कि इसमें एक भी सावड़ इसमें जा नहीं रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो साइज है 20 mm और इसका साइज 20, दोनों ही बराबर है। तो अगर दोनों ही बराबर रहेगा और क्लियरेंस रहेगा तो कैसे जाएगा, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर मैंने ऑपरेटर से कहा कि मैंने उसको टॉलरेंस दिया कि आप इसको 20 mm प्लस में 0 रखिए, माइनस में 10 micron रखिए, और जो बोर है उसका साइज प्लस में रखिए और माइनस में मत रखिए, 0 रखिए, तो क्या होगा, ये जा सकता है। ये मैंने किया तो उसमें देखा कि कुछ गया, कुछ तो अंदर गया, लेकिन सारे ही नहीं जा पा रहे थे। अब सारे क्यों नहीं जा पा रहे थे, ये देखिए उसका रीजन, ऑपरेटर ने तो सही बनाया। यहां पर देखिए, अगर आप इसको देख सकते हैं, सब 90.90 में ही है, लेकिन ये जो ऊपर का है ये फ्लैट नहीं है, ये जो सिलेंड्रिसिटी जो चाहिए वो नहीं है। हालांकि जो मैंने डायमेंशन दिया ऑपरेटर ने वही बनाया, लेकिन जब मैं इसको देख रहा हूँ क्लोज व्यू तो ये काम नहीं कर रहा। ये देखिए क्लोज व्यू, तो यहां पर ये कुछ प्रॉब्लम आ चुका था इसमें कि ये फ्लैट नहीं था ऊपर नीचे, इसलिए वो नहीं बना। लेकिन हालांकि जो मैंने टॉलरेंस दिया था 20 और प्लस में 0 और माइनस में 0.01, 10 माइक्रोन माइनस में दिया था, इसको 10 माइक्रोन प्लस में दिया था, फिर भी नहीं, क्योंकि ऊपर का सेप वहां नहीं हुआ। यहां हमारे को जरूरत पड़ता है अब GD&T की, एक्चुअल GD&T की जरूरत अब यहां हमको पड़ा। क्यों GD&T इंट्रोड्यूस किया गया, यहां देखिए इस डायमेंशन के अलावा ये जो फीचर फ्रेम कंट्रोल में दिया गया है कि सिलेंड्रिसिटी हमें 20 माइक्रोन के अंदर चाहिए, यानी ये दोनों पार्ट जो है सिलेंड्रिसिटी ये 20 माइक्रोन तक ही अलाउ है, उसी में वो अप डाउन करेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। अपर लिमिट यहाँ 19.90 से 20, अपर लिमिट 20 है और लोअर लिमिट 19.90, और शाफ्ट का जो है 20.20 से 20.10। तो ये सिलेंड्रिसिटी हम लोग को दिया गया थ्रू डेटम, इस डेटम के रेफरेंस से हमको ये इतना चाहिए। जब हमने ये दिया तब क्या हुआ, तब हम देखते हैं कि हमारा जो शाफ्ट है वो आर पार हो गया, बोर के आर पार हम देखते हैं वो चला गया, तो हमारा जॉब ओके हो गया। तो इस तरह से GD&T इंट्रोड्यूस हुआ, इसलिए हमें GD&T की जरूरत पड़ती है। मैं से कुछ चार्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको सुविधा के लिए। ये लीनियर डायमेंशन के ऊपर ओपन चार्ट है, 0.5 से 3, ये mm में दिया गया, 4000 mm तक में है। इसके बाद ये है एक्सटर्नल रेडियस और चैम्फर के ऊपर ओपन टॉलरेंस, फिर ये एंगुलरिटी के ऊपर ओपन टॉलरेंस दिया गया है, ये स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस के ऊपर ओपन टॉलरेंस है, ये परपेंडिकुलरिटी के ऊपर ओपन टॉलरेंस, फिर ये है आपका पोजिशन के ऊपर ओपन, सिमेट्री के ऊपर है, और ये रन आउट पे है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, नेक्स्ट टाइम आप जरूर देखिएगा जो मैं GD&T के ऊपर अब क्लास लेने जा रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और ये नेक्स्ट क्लास जो होगा डेटम और पोजिशन टॉलरेंस के ऊपर होगा। इस तरह पार्ट वाइज मैं GD&T क्लास शुरू करता हूँ, तो इस बार के लिए थैंक्स। होपफुल अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन दबाइएगा।